निष्ठा के विषय में शास्त्र में जो कथन आता है, किसी की भी निष्ठा हो, किसी में भी निष्ठा हो, गुरुदेव में निष्ठा हो, भगवान में निष्ठा हो, भजन में निष्ठा हो, धाम में निष्ठा हो, नाम में निष्ठा हो, यह निष्ठा तब तक नहीं होती है जब तक उस विषय में, उस वस्तु का, उस तत्व का महत्व का ज्ञान ना हो। महिमा ज्ञान बोलते हैं इसको। धाम की महिमा का जब तक परिपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसमें निष्ठा नहीं होगी। धाम निष्ठा के लिए धाम की महिमा संबंधित ग्रंथ पढ़ने से, धाम की महिमा सुनने से, अरे जब आपको इतना मालूम ही, धाम में क्या होता है, अरे ऐसे ही है, वृंदावन है, जैसे ये इलाहाबाद है, जैसे वो है, ऐसे ही वृंदावन है, अरे बड़ी गंदगी होती है उधर, ये होता है, वो होता है, कोई खास बात नहीं, थोड़ी शांति जरूर मिलती है, राधे राधे की ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा कोई खास बात नहीं है, ठाकुर तो देखिए सभी जगह है। तो ये होने से ये धाम की महिमा का ज्ञान नहीं हुआ। धाम की महिमा का ज्ञान जब, अरे धाम, ओहो वृंदावन धाम, वहां तो कृष्ण विचरे हैं, वहां पर ठाकुर हैं, वहां ब्रजवासी हैं, वहां गोपियां हैं, अरे जीवन, जीवन का फल ही धाम है, धाम धाम धाम, धाम में मरना, धाम में जीना, धाम में खाना, धाम में भूखे रहना, धाम में भीख मांगना भी श्रेष्ठ कार्य है। धाम की जब तक महिमा का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसमें निष्ठा नहीं होगी। अब जैसे आप मेरे से ही पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेरे प्रति आपकी निष्ठा है, और मेरी निष्ठा क्यों है कि कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ हमारे प्रश्नों का समाधान कर देता है, थोड़ा इसका अध्ययन है। मेरे प्रति निष्ठा के होने का कारण मेरे महिमा का आपको ज्ञान है। इसी प्रकार भगवान में निष्ठा होने के कारण भगवान की महिमा का ज्ञान। तो निष्ठा का मूल कारण है महिमा ज्ञान। अब वो महिमा ज्ञान कैसे हो? ग्रंथ द्वारा हो, वैष्णव द्वारा हो, साधु द्वारा हो, श्रवण द्वारा हो, बार बार आने जाने से हो, संतों के मिलने से हो, ये अनेक प्रकार से धाम की जब तक महिमा का ज्ञान नहीं होगा। और जब महिमा ज्ञान हो जाता है, अब देखिए जीवन हमारा प्राथमिकताओं पर ही निर्भर है। आपको दिल्ली में भी काम है, आपको वृंदावन में भी काम है, लेकिन यदि वृंदावन की महिमा का आपको इतना अधिक ज्ञान हो, बोले भाड़ में जाए दिल्ली, भाड़ में जाए मेरे 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाए, भाड़ में जाए मेरा यश, भाड़ में जाए मेरा वचन, मैं तो वृंदावन जा रहा हूं, इन सब के वृंदावन जाने के ऊपर ये सब वार वार दिए मैंने, जाने दो, इज्जत खराब होती है तो होने दो, 2 लाख रुपए का नुकसान होता है तो होने दो, एक कथा जाती है तो जाने दो, एक अनुष्ठान जाता है तो जाने दो, धाम को नहीं छोड़ूंगा, धाम की टिकट हो गई, धाम जाऊंगा ही जाऊंगा। ये तभी होगा जब धाम की महिमा का आपको पूरे रूप से ज्ञान होगा। धाम की महिमा का ज्ञान ना होने से, अरे धाम तो चले जाएंगे, अभी अभी ये कार्यक्रम मिला है, यज्ञ कर लें, 20-25 हजार रुपया मिल जाएगा, आगे काम चलेगा, दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो ये क्या है, वहां आपको धन का और यज्ञ की महिमा का ज्ञान है, धाम की महिमा न्यून है। तो धाम की महिमा का ज्ञान होते ही धाम में निष्ठा होगी, धाम में निष्ठा होगी, धाम की कृपा होगी, धाम में आना जाना होगा, तो सब आनंद ही आनंद होगा। जय श्री राधे, जय नित्यानंद।